उत्तर प्रदेश के योगी सरकार ने अलग अलग प्रदेशों से लौटे प्रवासियों को रोजगार देने के लिए प्रवासी कमीशन का गठन किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश के प्रवासियों को रोजगार देने के इच्छुक अन्य राज्यों को यूपी सरकार की मंजूरी लेनी होगी। सरकार के आंकड़ों के मुताबिक अब तक 23 लाख कामगार और श्रमिकों की वापसी हुई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य में प्रवासी आयोग बनाए जाएंगे जो घर लौटे मजदूरों को उनके कौशल के अनुसार उन्हें रोजगार प्रदान करेंगे। श्रमिकों की स्किल मैपिंग की जारी है। सीएम योगी ने निर्देश दिए हैं कि स्किल मैपिंग में मिले डेटा के आधार पर श्रमिकों और कामगारों को अलग अलग सेक्टरों में लगाने का प्रयास शुरू कर दिया गया है। मैं आपको बता दें, रविवार को कोरोना को लेकर बनाई गई टीम 11 की बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कामगारों और श्रमिकों को रोजगार देने के लिए एक प्रवासी आयोजक संगठित करने की रूपरेखा बनाई जाएगी। इसके तहत कामगारों और श्रमिकों की स्किल मैपिंग की जाए और उनका सारा ब्यौरा इकट्ठा किया जाए। इसके बाद उन्हें रोजगार देकर मानदेय दिया जाए। वहीं आपको बता दें कि कृषि विभाग और दुर्गत समितियों में ऐसे श्रमिक और कामगारों को बड़े पैमानों पर रोजगार उपलब्ध कराया जा सकता है। इसके साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मजदूरों को राज्य स्तर पर बीमा का लाभ देने की व्यवस्था की जाए, इससे उनका जीवन सुरक्षित हो सकेगा। ऐसी कार्य योजना तैयार की जाए जिससे उनको जॉब सिक्योरिटी मिल सके। पूरे प्रदेश में क्वारंटाइन किए गए प्रवासी मजदूरों की स्किल मैपिंग शुरू हो गई है। अब तक 2 लाख से अधिक मजदूरों का आंकड़ा जुटाया जा चुका है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में करीब 18 लाख मजदूरों का प्रवासी श्रमिक पोर्टल पर पंजीकरण किया गया है। इसमें 93 से ज्यादा श्रेणियां बनाई गई है। LD न्यूज रूम की रिपोर्ट।